125 है और TVS रेडर है ना, वो दोनों बाइक्स इस बाइक का मुकाबला नहीं कर सकती। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बाइक के अंदर पावर, फीचर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है ना जो वो बाइक अगले 5 साल के अंदर भी नहीं लेके आ पाएंगी। तो चलिए फिर उस देखते हैं कि उस बाइक से ज़्यादा इसमें क्या क्या मिलता है और इसका प्राइस क्या है, इसके अंदर फीचर क्या है, सब चीज़ें अभी इसी वीडियो के अंदर देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी मेरे पास है बजाज पल्सर NS125। ये जो है ना हमारे पास बजाज पल्सर 125, ये एक समझ लो कि 200 cc का इसमें आपको लुक मिल रहा है, लेकिन इंजन इसमें 125 cc का मिल रहा है। जो बजाज है ना, बजाज के अंदर हर तरह के लोगों के लिए ऑप्शन रखती है कंपनी। इसमें आपको 125 cc और 150, 200 cc, 160, हर तरह के मतलब एक ही बॉडी के ऊपर इंजन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसा कंपनी ने कर रखा है ताकि हर तरह के लोग उस चीज़ का फील ले पाएँ। अब ऐसा नहीं है कि 200 cc वाले का अलग डिज़ाइन, इसका अलग डिज़ाइन, तो उन्होंने सेम कर रखा है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग को फ़ायदा भी होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसी बाइक्स को लेते भी हैं। तो अभी देख लीजिए ये जो बाइक है 2024 वाला जो NS125, अभी इसके अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो इसमें जो अपडेट है ना, यहाँ पर पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पूरा कंसोल आ चुका है। और ये वाली चीज़ बहुत पहले आई थी, वीडियो थोड़ा सा लेट है, तो अभी मैं आपको अपने हिसाब से पूरा डिटेल देने की कोशिश करूँगा। तो ये इसका डिजिटल पूरा कंसोल है, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ और कॉल SMS की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे न्यूट्रल दिखा रहा है, यहाँ पे इंजन की लाइट्स वगैरह और बाकी ये सारी चीज़ें इसके अंदर फंक्शन पूरा डिजिटल में देखने के लिए मिल जाएगा। मोड और सेटिंग का दो बटन यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐड हुआ है एक चार्जिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आप चार्जिंग के लिए यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे USB से ये चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। और जब इसको स्टार्ट करोगे ना आप, तो यहाँ पे ऊपर 3 कलर की यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक होती हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, यहाँ पे 3 कलर की इसमें लाइट्स ब्लिंक होती हैं। अब ये किस लिए हैं ये तो मुझे पता नहीं है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे एक डिस्प्ले में दे रखा है, स्मार्ट कनेक्ट इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का नाम है, इसके अंदर जो फीचर है उसका। अभी यहाँ पर बटन्स देख लीजिए, बटन्स क्या क्या हैं। बटन्स देखिए कितने प्रीमियम हैं दूसरी बाइक के मुकाबले। यहाँ पर मोड है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के स्विच हैं, यहाँ पे हॉर्न वगैरह सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा। डिस्क ब्रेक का ऑयल है यहाँ पे, और यहाँ पे किल स्विच है, बाकी ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। और ये बाइक जोन सी है ना, ये एक्सट्रीम और रेडर को पीछे इसलिए छोड़ देती है ना, क्योंकि ये वाली ना 200 cc वाली जो बाइक है इनकी NS200, NS160, उसके ऊपर ही ये बनी हुई है। बस इसके अंदर इंजन थोड़ा सा छोटा किया कंपनी ने। तो अभी इसके फ्रंट से लुक देख लेते हैं, फ्रंट से लुक कैसी है। फ्रंट में देख लीजिए, फ्रंट से लुक इसमें कुछ ऐसा है। नए वाले के अंदर अब इसमें ना LED पैनल आ गया है, पहले इसमें आता था हाइलोजन बल्ब, अभी इसके अंदर ना LED पैनल आ गया है। हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर्स का डिज़ाइन कुछ कुछ ऐसा है, वो अभी हाइलोजन में ही, अभी उसके अंदर LED नहीं आया है। तो ये वाला थोड़ा सा एक एडवांटेज है इसके अंदर कि जो सी एक्सट्रीम आ रही है उसके अंदर आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा हल्का सा ऑन करके देखते हैं इसका थ्रो कैसा है। तो इसका आप थ्रो देख सकते हैं कैसा है, बस इसमें साइड कर दूं। तो इसका आप थ्रो देख सकते हैं कैसा है, तो LED है थ्रो, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको DRLs हैं, एक ऐसे बिजली जैसा सिंबल है यहाँ पे, और इधर भी। बाकी ऊपर से देखें तो ऊपर इसमें लो भी में, नीचे हाई भी में, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो। ये इसका फ्रंट का लुक है, एकदम जो ट्रांसफॉर्मर्स वाला लुक है ना वो दे दिया कंपनी ने इसके अंदर। और यहाँ पे कार्बन फिनिश है, फ्लेक्सिबल वाला मडगार्ड है, और यहाँ पे कार्बन फिनिश हल्का सा दिया हुआ है। बाकी इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन सी कंपनी के हैं ये, यूरो ग्रिप। ASSI 117 के फ्रंट में इसमें आपको टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। और नॉन ब्रांडेड मतलब कि इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है ऐसा, इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो सा फ्रंट में मिल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ डिस्क ब्रेक भी देख सकते हो। इस बाइक के अंदर आपको E20 मिल जाता है, E20 से बाइक को आप चला सकते हो। E20 फ्यूल जो है इथेनॉल वाला उससे चलेगा, और इसमें आपको 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। ये मेरे पास इसका ब्लू वाला ऑप्शन है, इसमें आपको सिल्वर भी मिलता है और ग्रे वाला भी, ऑरेंज वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। साइड्स ग्राफिक्स कुछ ऐसे होने वाले हैं, यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन का एक
सिंबल मिल जाता है छोटा सा। यहाँ पे ग्रिल्स दे रखी हैं यहाँ छोटी छोटी, और यहाँ पे दे रखा है एक लॉक जिससे आप अपना यहाँ का यूटिलिटी के लिए आप सीट वगैरह खोलेंगे। बाकी यहाँ पे बढ़िया सा ग्राफिक्स दे रखा है, ये बहुत पुराना ग्राफिक्स है तो इसको मैं ज़्यादा नया नहीं कहूँगा। नया इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सा है फ्रंट लाइट है, और इसके अंदर डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज़ किया है वो है। बाकी यहाँ पे ये ब्रांडिंग है, और ये चीज़ें यहाँ पे फाइबर की दी हुई हैं। स्प्लिट ग्रैंड ब्रेल है और स्प्लिट सीट है यहाँ पे, और रेयर में वही जो उन सा पल्सर का ओल्ड वाला इनका लोगो वही है, इसका जो ओल्ड वाला टेल लाइट का डिज़ाइन वही वाला इसमें भी है। करीब करीब ये इसकी टेल टाइडी है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ये वाला ये ना बहुत ही ज़्यादा कंपनी ने चेंज कर दिया, जैसे लोग राइडर करवाते हैं ना वैसे ही इसको पहले से कर रखा है ताकि इसमें कुछ भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना करवाएं। यहाँ पे आपको टायर हगर मिलता है, और यहाँ पे आपको मड गार्ड भी मिलता है देखने के लिए। ये इसमें आपको कटआउट वाला इसमें मिलता है आपको चेन सेट, नेकेड चेन है, ज़्यादा इसमें चेन में चेन फेयरिंग फायरिंग नहीं है। रेयर में अगर टायर की बात करें तो रेयर में आपको 190/17 का टायर देखने के लिए मिल जाता है, अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर है इसमें। और ये टायर है ना, ये इसमें TVS के टायर लगे हुए हैं, TVS यूरोग्रिप के टायर, यूरोग्रिप शायद मेरे हिसाब से TVS यूरोग्रिप ही था वो, तो TVS यूरोग्रिप के मैं कहता हूँ टायर लगे हुए हैं इसके अंदर। और रेयर में आपको ये ड्रम वाला एडिशन है मेरे पास, डबल डिस्क वाला वेरियंट अभी इस टाइम मेरे पास नहीं है ये। और यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड भी इसमें अंदर देखने के लिए मिल जाता है। साइड स्टैंड तो चलो सभी बाइक में आता है, सेंटर स्टैंड भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसमें एग्जॉस्ट है ना वो नीचे मिल जाता है, जिससे कि इसमें एग्जॉस्ट का सिस्टम ख़त्म हो जाता है बाहर, तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि एग्जॉस्ट दिखता नहीं है, एकदम नीचे एकदम छुपा रहता है और काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है ये वाला एग्जॉस्ट। अब मैंने इस बाइक के बारे में सारा कुछ बता दिया, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसका इंजन जो मिलता है 120.45 सीसी का इंजन मिलता है, 11 बीएचपी की पावर मिलती है, 11 एनएम का टॉर्क, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिल जाता है। अगर इसमें कूलिंग सिस्टम की बात करें, इसमें सीधा कोई भी कूलिंग सिस्टम नहीं है, इसमें एयर कूल्ड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रिल्स दे रखी हैं जिससे आपकी बाइक हवा के जरिए इसमें आपकी ठंडी हो जाएगी। और इसमें जो मिलता है 144 kg का ये बाइक का वेट मिलता है, और टॉप स्पीड हो जाती है ना 103 किलोमीटर की टॉप स्पीड है इसकी, जो अभी तक हाईएस्ट इसको टेस्ट किया है बजाज ने। और इसके अंदर ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। फ्रंट में अगर डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको ना 240mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, लेकिन कोई मुझे ब्रांड नहीं दिखा था इसलिए मैं ज़्यादा ब्रांड का नाम नहीं ले पाया ना मैं बता पाया आपको। तो फ्रंट में आपको 240mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, और जो बाइक की जो सीट हाइट है ना वो 805mm की है, ग्राउंड क्लियरेंस 179mm की है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस बाइक से रिलेटेड आपकी कोई जानकारी या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए। और अगर इस बाइक को आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से परचेस कर सकते हो, पंचकुला बजाज से। इसका मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस बाइक का जो प्राइस है ना वो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। ये वाली बाइक का जो प्राइस आता है ना ऑन रोड, वो आता है आपको 119,000 रुपये का ऑन रोड प्राइस मिल जाता है चंडीगढ़ के अंदर। तो ये इस बाइक का प्राइस होने वाला है। और अगर आप लोगों को मैंने बता दिया इस वाली बाइक को लेना है तो आप पंचकुला बाजार से ले सकते हो, स्टॉक एकदम अवेलेबल है।